भक्तों का दुख हरते बाबा दुखरन नाथ। बाबा दुखरन नाथ के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं सारे कष्ट। बाबा दुखरन नाथ ही सत्य है, शिव है, सुंदर है। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है बाबा दुखरन नाथ का मंदिर। बाबा दुखरन नाथ का दर्शन करने से ही मानो धरती पर ही स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत अलौकिक मंदिर की अपनी ही मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना युधिष्ठिर ने महाभारत काल में युद्ध से पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कराई थी और वे मंदिर में द्रौपदी के संग पूजा करने को आते थे। और जब द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर पूजा करते थे तब उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल एवं सहदेव मंदिर के चारों दरवाजों पर बैठकर शंकर भगवान का ध्यान करते थे। इसलिए पांडवों के पूजा करने से इस मंदिर को पांडेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर रामायण काल से यहाँ पर है। गोंडा राजा दशरथ का बगीचा था जिसका नाम पहले गौनर्ड था। जब भगवान राम रूप में जन्म लिए तब भगवान शिव उनको देखने मदारी रूप धारण करके आए। जब भगवान शिव राम को देख लौट गए तो प्रभु राम रोने लगे, जिसके बाद राजा दशरथ ने मदारी की खोज शुरू कर दी और बाद में भगवान शिव इसी स्थान पर पाए गए। भगवान शिव से मिलने के बाद प्रभु राम ने रोना बंद कर दिया। तभी से दुख हरने वाले बाबा दुखरन नाथ नाम से ये मंदिर स्थापित हो गया। वहीं प्राचीनतम काल में गोंडा नरेश देवी बकस सिंह ने पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में वैसे तो हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन प्रतिवर्ष सावन मास के कजरी तीज के अवसर पर लोग करनैलगंज और अयोध्या में स्थित सरयू नदी से जल भरकर पैदल ही नंगे पैर चलकर जलाभिषेक करने आते हैं। इस मंदिर में शिवरात्रि जैसे पर्व पर लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन को भी आते हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा दुखरन नाथ की आराधना करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या है मंदिर का इतिहास? ये इतिहास ऐसा है कि भगवान जब पैदा हुए थे अयोध्यापुरी में तो शंकर जी देखने के वास्ते आए थे, तो अयोध्यापुरी गए देखने के वास्ते। वहाँ मदारी का रूप बना करके हनुमान जी को वहाँ दिखलाया खेल, वहाँ से फिर देख करके वहाँ से चले आए। तो जैसे चले आए तो भगवान को रोदन हुआ। जब रोदन हुआ तो उन्होंने कहा भाई मदारी आया था, रोदन ले गया, क्या हो गया उसको बुलाओ। हैं तो फिर यहाँ से जब आए देखने के वास्ते तो यहाँ बैठे थे तो इनको बेला लेकर के वहाँ, तो वहाँ जब मिला है तो भगवान खुश हो गए। हैं और वही उसकी नाम इसका दुख हरना, इसका नाम दुख हरना पड़ा। ये कहाँ पर स्थित है? ये गोंडा जिले में, इसका नाम पहले था गौंड। ये राजा दस का बगीचा है, खेत बग, यहाँ गौ में चलती थी उनकी, अयोध्या की, राजा की, दशरथ की। क्या नाम है आपको? आदित्य प्रसाद पांडे। शंकर जी जब अयोध्या के लिए का नाव है, जब रामचंद्र जी बहुत रो रहे थे नाव है तो वहाँ आए थे, वहाँ विश्राम किया था। हाँ, और यहाँ यहाँ के जाने वाले अयोध्या गए का नाव है, रामचंद्र जी चुप हो गए, इसीलिए उनका दुखरन नाथ नाम पड़ा। यही सबका दुख हरते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो आदमी आता है यहाँ पर सबको सबका दुख हरते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अन्य वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें न्यूज़ आर्टिकल 24x7। वीडियो जर्नलिस्ट राजू मौर्या और वीडियो एडिटर उमेश मिश्रा के साथ अंशिका सिंह, न्यूज़ आर्टिकल 24x7।